है एवरी वन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लॉलेस मेकअप बेस आप कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जैसे कई लोगों का क्या होता है ना कि फाउंडेशन लगाने के बाद चेहरा जो है ब्लैक ब्लैक होने लगता है, फाउंडेशन जो है बिल्कुल पैची पैची सा होने लगता है, या मेकअप जो है वो आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं बना रहता है। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने आप कैसे पा सकते हैं ये मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो में फुल मेकअप नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ आपको दिखाने वाली हूँ कि मेकअप बेस कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेकअप करने से पहले आइस क्यूब्स लेकर उन्हें अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए मसाज कर लेना है। एंड उसके बाद फिर आपका जो मेकअप है उसे स्टार्ट करना है। इससे आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा और बिल्कुल भी आपके फेस पर पसीना नहीं आएगा। तो यहाँ सबसे फर्स्ट मैं यूज कर रही हूँ फेस सीरम, जो कि है गुड वाइब्स का रोज हिप फेस सीरम। आप कोई भी फेशियल ऑयल ले सकते हो, इससे आपका फाउंडेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्लाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं यूज करने जा रही हूँ एनवाईएक्स का स्टूडियो परफेक्ट फोटो लविंग प्राइमर, जो कि बहुत ही प्यारा प्राइमर है। देन नेक्स्ट है, मैं यूज करने जा रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ही प्यारा मॉइस्चराइजर है। इसे मैं थोड़ा सा अपने हाथ पर लूंगी, देन इसके अंदर मैं मिक्स करूंगी स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। इनको मिक्स करके दोनों को मैं लगाऊंगी। इससे होगा क्या कि आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल ड्यूई लुक देगा। जिनको मतलब ड्यूई लुक पसंद है बहुत ज्यादा, मतलब ग्लो करने वाला मेकअप पसंद है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ड्यूई मेकअप पसंद नहीं है ग्लॉसी, तो आपने ये स्किप कर देना है, सिर्फ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज करने जा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, जो कि इसमें मेरा शेड है गोल्डन बेज, और ये फाउंडेशन बहुत ही प्यारा है गाइज। अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ यूज करने जा रही हूँ मिनी सो का ब्यूटी ब्लेंडर, इससे मैं अच्छी तरीके से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूंगी। देन गाइज, नेक्स्ट आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। ये अगेन बहुत ही प्यारा कंसीलर है। अगर आप लोग कोई मतलब अफोर्डेबल कंसीलर ढूंढ रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर है। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और बहुत ही अच्छा कवरेज भी देता है ये। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। देन गाइज, अगेन सेम कंसीलर से नोज एंड फोरहेड एंड अदर एरियाज को मैं हाईलाइट कर लूंगी। देन गाइज, नेक्स्ट आई एम यूजिंग ग्लैम 21 का कॉम्पैक्ट पाउडर, जिससे मैं अपने कंसीलर को एंड फाउंडेशन को अच्छी तरीके से सेट कर लूंगी। ये स्टेप बिल्कुल स्किप नहीं करना है और इसमें थोड़ा वेट भी नहीं करना है। फटाफट जैसे ही कंसीलर एंड फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, उसके बाद तुरंत ही आपने उसे सेट कर लेना है, अदरवाइज क्रीज लाइन्स एंड अदर बहुत सारी चीजें फिर वो दिक्कत आती है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे स्किन पर बिल्कुल भी कोई क्रीज लाइंस नहीं है, और बिल्कुल भी मेरा जो फाउंडेशन है बिल्कुल भी पैची टाइप का नहीं लग रहा है। सो ये मेरा जो बेस है वो कंप्लीट हो गया है। सो गाइज, अब मैं अपना फुल मेकअप करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो चलिए मैं पूरा मेकअप करके आती हूँ। सो गाइज, यू कैन सी कितना गजब का मेकअप यहाँ क्रिएट हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। एंड लास्ट में एक स्टेप और रह गई थी, जो कि है मेकअप फिक्सर। तो यहाँ मैं मेकअप फिक्सर यूज करने जा रही हूँ एनवाईएक्स का ड्यूई फिनिश जो मेकअप फिक्सर है वो यूज कर रही हूँ। सो यू कैन सी, और इसके बाद मैं क्या करूंगी, अगेन जो ब्यूटी ब्लेंडर था उससे मैं अपने जो मेकअप फिक्सर है उसे अच्छे तरीके से उसको डैब डैब करके, बिल्कुल घिसना नहीं है, डैब डैब ही करना है, ताकि वो अच्छे तरीके से स्किन में आपके मेकअप को होल्ड कर सके। ओके, एंड यहाँ पर आपका जो फाइनल लुक है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो इस तरीके से अगर आप मेकअप आपका डन करोगे तो आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा, बिल्कुल भी पैचीनेस नहीं आएगी स्किन पर, फाइन लाइन्स भी जो दिखती है वो भी नहीं दिखेगी, और आपका मेकअप जो है सुबह से करोगे तो रात तक आराम से टिक जाएगा। एंड वीडियो पसंद आया हो सो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।